अगर रहना है आपको स्वस्थ तो बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आपको लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी काफ़ी तरह की होती है, जैसे आपकी बॉडी में रेडपन हो रहा है, या बॉडी में छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, या पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है आपके, या फिर आपके कहीं गोल स्पॉट हल्के हल्के छोटे छोटे दाने हो रहे हैं जिसमें इचिंग हो रही है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जांघों के बीच में ही होती है। जांघों के बीच में हम लोगों को एलर्जी हो जाती है जिसमें काफ़ी इचिंग होती है। हम उसको खुजला लेते हैं, उसका पानी जहाँ जहाँ तक निकलता है वहाँ तक एलर्जी बढ़ती रहती है। इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम इसके लिए ही बहुत अच्छा और बहुत कारगर ट्रीटमेंट लेके आए हैं। आइए जानते हैं वो ट्रीटमेंट। जो आज मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये बच्चों के लिए नहीं है, 15 साल से बड़े लोगों के लिए ही है, कृपया वही लोग लें। पहली मेडिसिन है जोकॉन 150। FDC कंपनी की टैबलेट होती है, एंटी फंगल होती है। ये टैबलेट आप 3 टैबलेट मार्केट से परचेज कर लीजिए, हर केमिस्ट से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। ये 3 टैबलेट परचेज कर लिए, आपको एक हफ्ते के अंदर ये 3 टैबलेट खानी है। एक खा ली, 2 दिन बाद फिर नेक्स्ट टैबलेट खा ली, फिर 2 दिन बाद नेक्स्ट टैबलेट खा ली। एक हफ्ते तक ये टैबलेट आपको 3 टैबलेट खानी है। साथ में टाइजा टैबलेट भी अबाउट कंपनी में होती है, हर केमिस्ट पर ये आसानी से मिल जाएगी। टाइजा टैबलेट ले लीजिए आप, उसके साथ ले लीजिए वाइफलॉन 10 mg। टाइजा 250 टैबलेट और वाइफलॉन 10 mg, दोनों के फ़ोटो स्क्रीन में मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये दोनों टैबलेट आप सुबह शाम खाना खाने के बाद खाइए, एक हफ्ते तक खाइए। एक हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। साथ में मैं एक ट्यूब बता रहा हूँ, न्यू फैलिक ऑइंटमेंट होता है। न्यू फैलिक ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर ये ट्यूब है। 50% आपको एलर्जी में ये सिर्फ यही ऑइंटमेंट ही आपको रिलीफ दे देगा। अगर न्यू फैलिक ना मिले तो इसकी जगह प्रॉपी फैलिक NF ऑइंटमेंट ले सकते हैं। ये दोनों भी सेम होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, अगर ये ट्यूब ना मिले तो इसकी जगह आप प्रॉपी फैलिक भी ले सकते हैं। न्यू फैलिक KRM कंपनी का होता है, ये भी बहुत अच्छा ट्यूब है। बाकी आप प्रॉपी फैलिक NF भी ले सकते हैं। ये ट्यूब को आपको स्किन वाली जगह पर दिन में 2 बार इसको लगाना है। आप इसको लगाने के बाद आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाइए, धूप दिखा दीजिए, उसके बाद आप इसको नॉर्मल वॉश कर लीजिए। ध्यान रखिए, जब तक आपको एलर्जी है तब तक आप नॉर्मल ऐसे सोप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सोप में केमिकल होता है जिससे आपकी इचिंग और बढ़ती है। आप कोई नीम या डिटॉल का सोप ले लें, आप उसको इस्तेमाल करें। आप ये टैबलेट और ये ट्यूब को एक हफ्ते यूज़ करिए, आपको अपनी एलर्जी से 90 से 95% तक रिलीफ मिल जाएगा। बाकी अगर रिलीफ नहीं तो आप इस टैबलेट को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको फिर हल्के हल्के करके छोड़ भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम का मेडिसिन जाननी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।